इसमें हॉप स्विच, राउटर एंड फायरवॉल ये डिवाइस के ऊपर बात किया है। अभी हम लोग बात करते हैं एक्सेस पॉइंट के ऊपर। एक्सेस पॉइंट मतलब क्या होता है, जो एक वाईफाई नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। दो टाइप के एक्सेस पॉइंट देखने को मिलते हैं हमें, एक होता है ट्रेडिशनल एक्सेस पॉइंट और दूसरा होता है हमारा कंट्रोलर बेस्ड एक्सेस पॉइंट। अभी ट्रेडिशनल एक्सेस पॉइंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग मार्केट में जैसे कि वाईफाई राउटर लेके थे हम लोग मार्केट से, करेक्ट। हेलो सर, उसको नीरज, डू यू वांट टू स्पीक एनीथिंग? नीरज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं। सो एक्सेस पॉइंट दो टाइप्स का। यस यस नीरज, जो सर ट्रेडिशनल एक्सेस पॉइंट है उसको नॉर्मल एक्सेस पॉइंट भी बोलते हैं ना हम लोग? करेक्ट, नॉर्मल एक्सेस पॉइंट भी बोलते हैं, करेक्ट। यस, थैंक यू नीरज। सो जैसे कि बताया कि ट्रेडिशनल एक्सेस पॉइंट एक नॉर्मल एक्सेस पॉइंट भी हमारे पास, जैसे कि अगर हम लोग मार्केट से लेके आते तो हम लोग देखते कि वायरलेस राउटर लेके आते जो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अभी ये जो राउटर होता है इसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट रूप से कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जिसको हम लोग कॉन्फिगर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि SSID होता है। SSID क्या होता है, कुछ पता है इसके बारे में? SSID क्या होता है, जो हमारा वाईफाई होता है उसका नाम होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग घर के अंदर रख देते, जैसे कि मैंने एक नया वाला राउटर लिया है डीलिंग का, तो मैं सोचता हूँ कि उसका SSID का नाम लिखता हूँ डीलिंग 123, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे अपने लैपटॉप से वाईफाई को कनेक्ट करना है तो मुझे ये SSID को कनेक्ट करना पड़ेगा। सो SSID इज नथिंग बट अ वाईफाई का नाम, ठीक है, ये वाईफाई का नाम होता है। सो ट्रेडिशनल एक्सेस पॉइंट होता है, ट्रेडिशनल एक्सेस पॉइंट को कॉन्फिगर करना कोई बड़ा डील नहीं होता है, बिकॉज इसके अंदर हम लोगों के पास एक गेटवे होता है। जैसे कि ये राउटर के पीछे में देख सकते हैं एक गेटवे होगा 192.168.0.1.1.1.10, इस तरीके के IP address लिखे रहते हैं। तो ये इसको ब्राउजर में डाल के आप ये डिवाइस का एक्सेस ले सकते हैं। मैं भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका एक्सेस लिया जाता है। ये देखो, ये मेरा डीलिंग का राउटर है, मैंने इसका एक्सेस ले लिया है। ये पासवर्ड इस्लाम, ठीक है। तो ये मेरे पास है डीलिंग का राउटर जिसके अंदर बेसिक सेटिंग्स वगैरह है, जिसके अंदर ये हम लोग बेसिक चीज़ें कॉन्फिग कर सकते हैं वायरलेस के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरा SSID नेम है, SSID नेम मतलब जो मेरा वाईफाई का नाम है हसलर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसके साथ ही कनेक्ट किया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोग घर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, तो ये तो हो गया मेरा ट्रेडिशनल एक्सेस पॉइंट, जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये जनरली सबको पता ही होता है। अभी आते हैं कंट्रोलर बेस एक्सेस पॉइंट के बारे में। अभी सिस्को के कुछ कंट्रोलर बेस एक्सेस पॉइंट होते हैं, मैंने लास्ट टू लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर इसके ऊपर वर्क किया था, तो मैं इसके बारे में थोड़ा रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी जो कंट्रोलर बेस एक्सेस पॉइंट होते हैं ये ना, इनके पास ऐसा दिमाग नहीं होता खुद का, इनको हर चीज़ बताना पड़ता है, ठीक है। अभी कंट्रोलर बेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है तुम्हारे कंट्रोलर के ऊपर। जैसे कि मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल और अच्छी तरीके से दूंगा यहाँ पे, जस्ट कंसीडर करो कंपनी में कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि एक एम्प्लॉय है जो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, जिसको कुछ बताना नहीं पड़ता, खुद ही काम करता। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनको हर चीज़ बताना पड़ता है, मतलब उनको कंट्रोल करना पड़ता है। तो सेम एज ये जो मेरे पास एक्सेस पॉइंट है ये कंट्रोलर बेस है, मतलब इनको मैनेज करने के लिए मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो मैनेज करेगा, जिस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं WLC वायरलेस कंट्रोलर। विद द हेल्प ऑफ वायरलेस कंट्रोलर हम लोग ये वाले एक्सेस पॉइंट को मैनेज करते हैं। तो ये जो एक्सेस पॉइंट है इसका कंप्लीट डिपेंडेंसी होता है वायरलेस कंट्रोलर के ऊपर। अभी वायरलेस कंट्रोलर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ वायरलेस कंट्रोलर हम लोग कंट्रोलर को मैनेज करने वाले हैं, हम लोग एक्सेस पॉइंट को मैनेज करने वाले हैं, उसके ऊपर SSID कॉन्फिगर करने वाले हैं। अभी जैसे कि मैंने ट्रेडिशनल एक्सेस पॉइंट देखा है, मेरे पास तो डीलिंग कंपनी का एक्सेस पॉइंट है जहाँ पे मैं एक ही SSID क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कंपनी के राउटर्स आते हैं, वायरलेस राउटर्स आते हैं जिसके ऊपर हम लोग 2 से 4 तक SSID क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक ही राउटर से 2 से 4 SSID क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने लास्ट टाइम वायरलेस कंट्रोलर 8540 ये सिस्को का वायरलेस कंट्रोल के ऊपर काम किया था, तब मुझे पता चला इस वायरलेस कंट्रोलर के ऊपर मैं 16 SSID क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे जो मेरे पास एक एक्सेस पॉइंट है ये अराउंड 16 SSID को रेडिएट कर सकता है, मतलब 16 सिग्नल्स को भेज सकता है। इस वायरलेस कंट्रोल के थ्रू हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक मैक एड्रेस बाइंडिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, आईपी एड्रेस बाइंडिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ, DHCP भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो इट इज डिपेंड ऑन मी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? अभी जैसे कि जो वायरलेस कंट्रोलर है, वायरलेस कंट्रोलर इज द बिग टॉपिक, ठीक है, जो कि मोस्टली सिस्को वायरलेस डिवाइस वायरलेस डोमेन में आपको इसके बारे में और अच्छे तरीके से और पूरी डिटेल्स में देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे कि वायरलेस कंट्रोलर सिस्को के आते हैं सेम एज मेरा की अरुबा, काफ़ी सारे कंपनी से वेंडर्स हैं उनके भी डिवाइसेस आते हैं, तो ये मल्टीपल SSID को मैप करने का काम करता है। एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लोग वायरलेस कंट्रोल का यूज़ कर रहे हैं ऑन अ एक्सेस पॉइंट लेवल, नॉट ऑन अ फायरवॉल लेवल, बट एक्सेस पॉइंट लेवल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ट्रैफिक को मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें विद हेल्प ऑफ वायरलेस कंट्रोलर हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेटवर्क डिवाइसेस। तो इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क डिवाइसेज आते हैं, लाइक लोड बैलेंसर वगैरह, तो हम लोगों ने जो मेजर कोर नेटवर्क डिवाइसेज थे उसके बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि होता है साइज ऑफ नेटवर्क। अभी साइज ऑफ नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो एक छोटे एक लाइक 2-3 लाइन में इसको कंप्लीट करूंगा। साइज ऑफ नेटवर्क काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, लाइक अगर हम लोग होम नेटवर्क की बात करते हैं तो एक लाइक स्मॉल नेटवर्क जहाँ पे हम लोग 2-3 यूजर्स हो सकते हैं, 2-3 लैपटॉप हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, इस तरीके के डिवाइसेस को कनेक्ट करना, विच इज कॉल्ड एज अ होम नेटवर्क। नेक्स्ट थिंग स्मॉल ऑफिस नेटवर्क। अगर स्मॉल ऑफिस नेटवर्क के बारे में बात करो तो वहाँ पे भी 6-7 यूजर PC हो सकते हैं, जो एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, और स्विच कुछ सर्वर प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है, राउटर के साथ कनेक्टेड है, ISP से इंटरनेट कनेक्शन दिया है, तो इस तरीके के नेटवर्क को हम लोग स्मॉल ऑफिस नेटवर्क भी बोलते हैं। अगर मैं लार्ज नेटवर्क की बात करूँ तो जैसे कि अगर इंडिया में कोई कंपनी है जिनकी मल्टीपल ब्रांच लोकेशन है, जैसे कि अभी हमें पता है MNC कंपनी, सो लाइक कोई भी XYZ कंपनी जिनके मुंबई में लोकेशन है, बेंगलोर में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, नागपुर में है, ऐसे काफ़ी सारे लोकेशन है, विच इज़ कॉल्ड एज अ लार्ज नेटवर्क। तो हम लोग इस तरीके के एटमोसफियर, इस तरीके के नेटवर्क को लार्ज नेटवर्क कंसिडर कर सकते हैं। और द लास्ट वन इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क का मतलब क्या होता है, अभी काफ़ी सारी MNCs कंपनीज है जिनके ब्रांच लोकेशन USA में, जैसे कि मैं सिस्को की बात करता हूँ, सिस्को बेंगलोर में है, सिस्को दुबई में है, सिस्को ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, सिडनी में है, USA में है, कैलिफोर्निया में है। सो इस तरीके के कंपनीज को हम लोग वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कंपनीज भी बोला करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे कुछ पूछना है किसी को? ओके फाइन, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिविटी। तो हम लोग समझते कि अभी हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो कौन सा है। जैसे कि अगर मैं केबल्स की बात करता हूँ, सबसे अभी हम लोग और बेसिक में जा रहे हैं। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? हेलो, यस सर। या ओके, यस सर, या थैंक यू। ओके फाइन, जैसे कि मैं केबल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो केबल्स जो होते हैं अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास होता है कॉपर केबल। आई गेस कनेक्शन लूज हो गया, एक मिनट होल्ड करो। वेट, नॉट श्योर सर। या वेट, ओके, नाउ इज इट ओके? स्क्रीन नॉट विजिबल।
Now is it okay? Yes, okay. Yes, sir. Thank you. So कॉपर केबल होता है सेकंडिंग फाइबर केबल, ठीक है, फाइबर केबल, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायर्ड केबल के बारे में, जिसके अंदर आता है कॉपर केबल एंड फाइबर केबल। अभी कॉपर केबल क्या होता है, जो हम लोग लैंड केबल के बारे में बात करते हैं ना, वही कॉपर केबल होता है। अभी कॉपर केबल दो टाइप से होते हैं, एक होता है स्ट्रेट केबल और सेकंड वाला होता है हमारा क्रॉस केबल। अभी इसका जो कलर कोडिंग है वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इतना बेसिक नहीं जा रहे। कलर कोडिंग याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग गूगल से आसानी से देख सकते हैं स्ट्रेट केबल का यूज़ कहाँ पे होता है, क्रॉस केबल का यूज़ कहाँ पे होता है, आसानी से देख सकते हैं। हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं उसके बारे में, और ना ही ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्ट्रेट केबल क्रॉस केबल का यूज़ कहाँ पे होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं थोड़ा सा इजी तरीके से बताता हूँ, हमारे पास दो टाइप के डिवाइस होते हैं, एक होता है नॉन आईपी डिवाइसेस और दूसरा होता है आईपी डिवाइसेस, सिंपल, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आईपी डिवाइसेस कौन कौन से हैं। हमारे पास जो राउटर है ये आईपी डिवाइस है, पीसी ये आईपी डिवाइस है, फायरवॉल ये भी आईपी डिवाइस है, इसके साथ साथ और भी ऐसे डिवाइस जो आईपी डिवाइस है। नॉन आईपी डिवाइसेस में हमारे पास स्विच L2 स्विच होता है, जो कि नॉन आईपी डिवाइस होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे स्ट्रेट केबल का यूज कब करना है, क्रॉस केबल का यूज कब करना है। अगर मेरे पास स्ट्रेट केबल है तो मुझे इसका यूज़ करना है जब मेरे पास आईपी डिवाइस टू नॉन आईपी डिवाइस कम्युनिकेशन करना है, या तो फिर नॉन आईपी डिवाइस टू आईपी का डिवाइस कम्युनिकेशन, मतलब वाइस वर्सा अगर कम्युनिकेशन है तो मैं स्ट्रेट केबल का यूज़ करूँगा। क्रॉस केबल का यूज़ कब करना है, अगर मेरे पास आईपी टू आईपी कम्युनिकेशन करना है या तो फिर नॉन आईपी टू नॉन आईपी डिवाइस कम्युनिकेशन करना है, तब मैं क्रॉस केबल का यूज़ करने वाला हूँ। इट मीन्स अगर मेरे पास स्विच टू यूज़र पीसी कम्युनिकेशन करना है, मतलब नॉन आईपी टू आईपी, तो मैं स्ट्रेट केबल का यूज़ करूँगा। इन केस मेरे पास स्विच टू राउटर कम्युनिकेशन करना है, मतलब आईपी टू नॉन आईपी, नॉन आईपी टू आईपी, तो मुझे स्ट्रेट केबल का यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैं शायद क्रॉस बोल दिया, स्ट्रेट केबल का यूज़ करना है। अगर मेरे पास राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन करना है तो मुझे यहाँ पे जिस केबल का यूज़ करना है वो है क्रॉस केबल। और यहाँ पे भी देखना है आईपी टू आईपी, दैट मीन्स राउटर टू राउटर, नॉन आईपी टू नॉन आईपी, मतलब अगर मेरे पास स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन करना है तो इस सिचुएशन में भी मैं क्रॉस केबल का यूज़ करने वाला हूँ। अभी तो हम लोगों ने ये टेक्निकली तो समझ लिया, लेकिन ये प्रैक्टिकल में रियल में डिप्लॉय हो सकता है कि ये प्रूफ कैसे होगा, तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे विद हेल्प ऑफ पैकेट ऐसा। तो पैकेट जैसे के थ्रू हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे दो राउटर लेता हूँ, ये मेरे पास एक राउटर, ये सेकंड राउटर आईपी टू आईपी डिवाइस, ठीक है। सो यहाँ पे आप नीचे के साइड में यहाँ पे फोर्थ नंबर का एक येलो कलर का सिंबल दिख रहा है, विच इज कॉल्ड एज अ कनेक्शन। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में काफी ज्यादा केबल्स ओपन होते हुए दिखेंगे, ये केबल्स है काफी ज्यादा ओपन से। आप मेरा कर्सर देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे केबल्स है। अगर आप किसी भी केबल के ऊपर कर्सर लेके जाते तो आपको नीचे के साइड में देखने को मिलेगा उसका नाम, ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है, ये थर्ड नंबर का केबल है, फोर्थ नंबर का केबल है कॉपर क्रॉस ओवर केबल। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास आईपी टू आईपी डिवाइस कनेक्ट करना है तो आपको क्रॉस केबल का यूज करना है। क्रॉस केबल आपको हमेशा डॉटेड फॉर्मेट में देखने को मिलेगा पैकेट प्रेसर के अंदर। रियल डिवाइस में तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्रॉस केबल है कि नहीं है, तो आपको वो कलर कोडिंग देख के समझना पड़ेगा। वो तो एक स्टैंडर्ड आता है मार्केट में, वही यूज होता है आज की डेट में। नेक्स्ट थिंग, अभी राउटर से स्विच को कम्युनिकेशन करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे एक स्विच डिवाइस ले लेता हूँ और एक यूजर पीसी भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते आईपी टू नॉन आईपी डिवाइस कम्युनिकेशन, मुझे स्ट्रेट केबल का यूज करना है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट केबल को कनेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी पोर्ट में लगाओ कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज सभी पोर्ट ब्रॉडकास्ट करने का काम करते हैं, देखो। लेकिन मैं हमेशा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए नंबर वाइज ही पोर्ट यूज़ करता हूँ, आप भी वही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेम है यहाँ पे स्ट्रेट केबल का यूज़ किया, नॉन आईपी टू आईपी डिवाइस, अगेन स्ट्रेट केबल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने पीसी के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे फास्ट इतने जीरो है, बिकॉज एक ही लैंड पोर्ट होता है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से मैं कनेक्टिविटी कर सकता हूँ, मतलब इसी तरीके से होता है। इनकेस गलती से मैंने यहाँ पे स्ट्रेट केबल लगा दी तो ये कनेक्टिविटी नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेट केबल एंड द क्रॉस केबल। अभी जैसे कि अगर यस टेल मी,
सर जैसे आपने यूज किया था नॉन स्विच, ठीक है, नॉन आईपी बेस्ड स्विच आपने यूज किया, तो आपने उसको स्ट्रेट थ्रू केबल से कनेक्ट किया राउटर को. Yes. इनके सर यहाँ पे अगर सर आईपी बेस्ड स्विच हो तो राउटर से हम क्या इज इट सेम केबल से यूज करेंगे या क्रॉस केबल यूज करेंगे? आप क्रॉस केबल यूज करो बिकॉज दैट्स द एलटी डिवाइस ना. या फंडा वही रखना है दिमाग में. आईपी टू आईपी कम्युनिकेशन क्रॉस केबल, आईपी टू नॉन आईपी, नॉन आईपी टू आईपी स्ट्रेट केबल. सिंपल, आइदर बिटवीन राउटर या राउटर टू स्विच. करेक्ट, इजंट इट? यस. अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ केबल्स के फोटोज नहीं करा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड केबल का यूज होता है. जैसे कि ये केबल कंपनी से इसी तरीके की फिटिंग में आती है. अगर आप इसका पोर्ट देखते हो तो ये स्टैंडर्ड पोर्ट है, ये सर्टिफाइड पोर्ट होता है. और एक होता है हैंडमेड क्रिम्पिंग, जो हैंडमेड क्रिम्पिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, राइट. सो ये सर्टिफाइड नहीं होते. आज की डेट में जितनी भी कंपनीज है, छोटी बड़ी, बड़े से बड़ी कंपनी, ये सर्टिफाइड केबल का यूज़ करते हैं. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना सर्टिफाइड केबल कौन सी होती है और नॉर्मल केबल कौन सी. नॉर्मल मतलब जो हैंडमेड केबल होती है. सो हैंडमेड केबल का यूज़ कम होता है, बट इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है. सो यहाँ तक तो बात होगी. अभी हम लोग बात करते हैं हमारे फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. अभी जब हमारे पास कॉपर केबल के थ्रू हमारा काम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, तो फाइबर ऑप्टिक केबल क्यों, क्या रीजन हो सकता है बताओ, किसी को पता है? यस सर. यस टेल मी अमित. सर बेसिकली फाइबर ऑप्टिक जो आपकी इंडस्ट्री तक लॉन्ग इंडस्ट्री इन हाउस अगर आप उसको लेआउट करना चाह रहे हैं जो मोर देन 100 मीटर डिस्टेंस है, तो आप वहाँ पे फाइबर यूज कर सकते हैं. अदरवाइज एक्सेस पॉइंट भी ऑप्शन होते हैं, बट फाइबर इज द मोर सिक्योर देन एक्सेस पॉइंट सर, जो व्हिच इज मे आई एम यूजिंग इन माय एनवायरनमेंट. यस सर, एंड इट इंक्रीज स्पीड आल्सो. यस एग्जैक्टली, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. हम लोग केबल इज मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू द वायरलेस. जैसे कि इन्होंने बताया कि जो हमारे पास वाईफाई मतलब एपी एक्सेस पॉइंट डिवाइसेस का यूज करते हैं, वायरलेस इज नॉट अ सिक्योर सॉल्यूशन. सो अगर हम लोग केबल का यूज करते हैं एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. एंड सेकंड पॉइंट जैसे कि आई गेस अंजलि ने बताया था उसके बारे में, ठीक है. सो सेकंड पॉइंट इज फाइबर केबल के थ्रू हम लोग अपने स्पीड मतलब जो एक बैंडविड्थ उसको एनहांस कर सकते हैं. बिकॉज क्या होता था, जो हमारे पास लैन केबल था वो अराउंड 10 मीटर 100 मीटर यहाँ तक एक 100 एमबीपीएस तक अच्छी स्पीड वगैरह देता था. बट आज की डेट में हमें 1 जीबीपीएस, 10 जीबीपीएस, 40 जीबीपीएस, 100 जीबीपीएस और मोर देन दैट हमें वो स्पीड चाहिए, जो कि कॉपर केबल जो लैन केबल वो सपोर्ट नहीं करता था. तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में है फाइबर ऑप्टिक केबल. सो विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल हम लोग मल्टीपल लोकेशन पे बहुत ज़्यादा कंपनीज को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइबर, और वो भी एक फास्ट तरीके से बैंडविड्थ के थ्रू हम लोग अपना डेटा पहुँचा सकते हैं. सो ये होता है हमारा फाइबर केबल का यूज़, ठीक है. तो ये भी हमारे वायर्ड नेटवर्क के बारे में आता है. उसके बाद आता है वायरलेस नेटवर्क के बारे में. तो अभी वायरलेस नेटवर्क के बारे में क्या बताना, क्या वायरलेस नेटवर्क तो हमें पता ही है, ठीक है. जैसे कि हम लोग घर के अंदर वायरलेस राउटर वगैरह यूज़ करते हैं. आजकल हम लोग पब्लिक सेक्टर में भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप रेलवे स्टेशन या तो एयरपोर्ट जाते हो तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो पब्लिक सेक्टर में वाईफाई का यूज़ करते हैं. काफ़ी सारी कंपनीज आजकल ओटीपी जनरेशन का भी यूज़ करते हैं, मतलब आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना पड़ता है, तो आप पर्टिकुलर नंबर के लिए लाइक 1 जीबीपीएस का डेटा वो प्रोवाइड करते हैं या 30 मिनट्स का डेटा प्रोवाइड करते हैं. काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं. सो ये मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे डिवाइस होते हैं. जैसे कि मैंने एक जगह देखा था, एक इन्वेंटम करके एक डिवाइस है, एक कंपनी है, वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. मतलब क्या करते हैं, ये डिवाइस के थ्रू हम लोग यूज़र को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड मतलब जैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसका नंबर है 90 वॉट एवर द नंबर, ठीक है, अगर इस पर्सन ने रजिस्टर किया उसके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा. जैसे उसने ओटीपी डाल दिया तो उनको एक पॉपअप मैसेज आता है कि यूअर नंबर इज़ रजिस्टर्ड, यू हैव 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स में आपको 20 MB का डेटा मिल रहा है, वॉट एवर, इस तरीके का मैसेज आ जाता है, ठीक है. से ऑथेंटिकेशन बेस होता है, ये हमेशा वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर आता है. वायरलेस टेक्नोलॉजी इज अ वेरी बिग डोमेन, हम लोग उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले आज के सेशन के अंदर, ठीक है. उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में. अभी नेटवर्क टोपोलॉजी काफ़ी सारे टाइप्स की होती है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टोपोलॉजी ये वर्ड क्या कहलाता है. अभी ये जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, टोपोलॉजी इस तरह डायग्राम, जैसे कि हम लोग नेटवर्क में देखते हैं नेटवर्क का आर्किटेक्चर होता है, वो क्या होता है, एक टोपोलॉजी होता है, ठीक है. तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखो.
तो नेटवर्क टोपोलॉजी काफी सारे टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में। अभी इनिशियली काफी पुराने समय में बस टोपोलॉजी का भी यूज होता था। अभी बस टोपोलॉजी मतलब क्या होता था, एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन की केबल थी, ठीक है, ये केबल के ऊपर मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड थे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कुछ फायदे भी थे कुछ नुकसान भी थे। फायदा ये था कि अगर मुझे यहाँ पे कोई एक नया डिवाइस ऐड करना है तो मैं आसानी से इसको ऐड कर सकता हूँ विदाउट हैम्परिंग द अनदर नेटवर्क यूजर्स। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था, इन केस अगर केबल कहीं से ब्रेक होगी मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन होता था बस टोपोलॉजी के अंदर। सो दैट बस नॉट इज अ गुड सोल्यूशन। मल्टीपल नोड्स कैन बी इंस्टॉल विदाउट डिफिकल्टी, अगर मेरा कोई नोड डाउन भी हो गया तभी भी कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज बाकी के जो डिवाइसेस थे वो सभी के सभी एक केबल के थ्रू कनेक्ट थे, वो तो वर्क कर रहे थे, लेकिन जैसे केबल ब्रेक हो गया पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो गया। ये बस टोपोलॉजी के अंदर होता था, ठीक है। हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, एक बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू समझने वाले, ठीक है। उसके बाद आते थे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। अभी जैसे स्टार टोपोलॉजी ये वर्ड सुना तो हमें पता चल जाता है कि ये कुछ स्टार फैक्टर में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ यूजर पीसी सर्वर डिवाइसेस कनेक्टेड है। अभी स्टार टोपोलॉजी के भी फायदे बहुत थे, जैसे कि अगर मुझे कोई नया डिवाइस ऐड करना है सो जस्ट कंसिडर दिस इज माय स्विच, स्विच के ऊपर 48 पोर्ट्स है जस्ट कंसिडर करो, या तो 24 पोर्ट्स है। मुझे कोई नया यूजर कनेक्ट करना है मैं आसानी से कर सकता हूँ, मुझे नया लैपटॉप कनेक्ट करना है मैं आसानी से कर सकता हूँ विदाउट हैम्परिंग एनी अनदर यूजर्स, किसी यूजर को प्रॉब्लम ना होते हुए मैं नए डिवाइस को ऐड कर सकता हूँ। इन केस अगर मेरा कोई एक डिवाइस फॉल्ट हो गया मतलब डाउन हो गया कुछ प्रॉब्लम हो गया तभी भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे जो रिमेनिंग डिवाइस है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इन केस मेरा जो सेंट्रलाइज डिवाइस है हब या स्विच अगर ये डाउन हो गया तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता था। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर भी रिडंडेंसी लेवल कुछ भी नहीं थी जिसकी वजह से ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। गॉट इट, यहाँ पे कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द रिंग टोपोलॉजी। अभी रिंग टोपोलॉजी जैसे कि काफ़ी सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में मैक्सिमम जगह पे मैं देख रहा हूँ रिंग टोपोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अभी रिंग टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, एक रिंग फैक्टर में कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ 6 डिवाइसेस कनेक्ट करता हूँ और सभी डिवाइसेस एक रिंग फैक्टर में कनेक्टेड हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, इन केस अगर मेरा लिंक यहाँ से ब्रेक हो गया मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरा ट्रैफिक यहाँ से फ्लो होके कुछ इस तरीके से इस डिवाइस के पास पहुँच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे रिडंडेंसी लेवल मतलब एक साइड से लिंक डाउन है तभी भी मेरा सेकेंड साइड से मेरा ट्राफिक जा सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मुझे और कहीं से केबल ब्रेक होने का वेट नहीं करना पड़ता, यहाँ पे ब्रेक होगी मुझे ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि मुझे मेरा केबल जल्द से जल्द रिपेयर किया जा सकता है, उसको दुरुस्त किया जा सकता है, ठीक है। अभी जैसे कि अब मैं इसको रियल एग्जांपल के साथ जोड़ता हूँ, मेरे मोबाइल में 2 सिम कार्ड है, एक है एयरटेल का एक है वोडाफोन का सिम कार्ड। कुछ कारण की वजह से मेरा एयरटेल का सिम कार्ड खराब हो गया, तो मैं वेट नहीं करता हूँ कि जब तक मेरा वोडाफोन का ख़राब ना हो तब तक मैं एयरटेल रिप्लेस ना करूँ। अगर मेरा एयरटेल का ख़राब हुआ है मैं तुरंत ही मार्केट में जाता हूँ, एयरटेल स्टोर में जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि सर जी मेरा सिम कार्ड ख़राब हो गया मुझे इसको रिप्लेस करके नया दो या कुछ इश्यू है जो उसको रिजॉल्व करके दो, करेक्ट। हम लोग वेट नहीं करते, ठीक है। सेम एज यहाँ पे भी अगर मेरा एक साइड से लिंक ब्रेक हुआ है तो मैं वेट नहीं करूँगा कि दूसरे साइड से ब्रेक हो। अगर मेरा यहाँ से ब्रेक हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर मेरा ट्राफिक फ्लो हो रहा है तो यही तक फ्लो होगा, यहाँ के जो यूजर्स हैं उनके पास कनेक्टिविटी जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो रिंग टोपोलॉजी में रिडंडेंसी लेवल, रिडंडेंसी मतलब एक साइड से ब्रेक हो गया तो दूसरे साइड से फ्लो हो सकता है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। उसके बाद आता है मेश टोपोलॉजी। अभी मेश टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में और एक चीज़ बताना भूल गया मैं, यहाँ पे अगर मुझे कोई नया डिवाइस ऐड करना है तो वो भी हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केबल, पॉसिबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि बाकी के डिवाइसेस हैम्पर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद आते हैं हम लोग मेश टोपोलॉजी के बारे में। अभी ये जो मेश टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी के अंदर जस्ट कंसिडर मेरे पास 4 डिवाइसेस हैं। अभी यहाँ पे ये सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कुछ लाइन्स। अगर 5 डिवाइस है तो यहाँ पे
ये सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे लाइक दिस, ठीक है। अभी मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर मेरा कोई लिंक ब्रेक भी हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मेरा ट्रैफिक यहाँ से इस तरीके से जा सकता है, पॉसिबल है। इन केस अगर मेरा और भी कोई केबल ब्रेक हुआ तभी भी प्रॉब्लम नहीं, अगर और ब्रेक हो गया तभी भी प्रॉब्लम नहीं, ये मेश टोपोलॉजी के अंदर होता है। बट मेश टोपोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है वो बताता हूँ। इन केस मुझे एक नया डिवाइस ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी करना पड़ेगा ताकि मेरा सबके साथ कम्युनिकेशन का रिडंडेंसी लेवल ज़्यादा रहेंगे। बट रिडंडेंसी के चक्कर में यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा केबल का यूज़ करना पड़ा है, और जहाँ पे ज़्यादा केबल वहाँ पे मेरा कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगने वाला है। रिडंडेंसी के बारे में नो डाउट, रिडंडेंसी लेवल इज़ वेरी वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द रिंग टोपोलॉजी, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बट कहीं ना कहीं ये सुटेबल सोल्यूशन नहीं है। बट इनसाइड द डेटा सेंटर आज की डेट में भी मेश टोपोलॉजी, बट नॉट दैट मच बिग द लेवल, बट 3 या 4 डिवाइसेस भी रहेंगे तभी भी मेश टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं छोटे लेवल पे, बट नॉट ऑन द बिग लेवल। अगर मेरे पास 10-15 डिवाइसेस है उसको मेश टोपोलॉजी बनाना देर इज नो सेंस, तो ये बात का ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोपोलॉजीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कोई बता सकता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, किसी को कुछ पता है इसके बारे में? हेलो, यस, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ओके, या थैंक यू, करेक्ट भास्कर, यस, थैंक यू सो मच भास्कर। जैसे कि भास्कर ने बताया मोड ऑफ कम्युनिकेशन 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अभी सिंपलेक्स मतलब क्या होता है, मैं इसको आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सिंपलेक्स मतलब क्या होता है, इट्स लाइक अ वन वे कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है। सेंडर रिसीवर के पास, जैसे कि अगर मैं पुराने टाइम में टीवी के बारे में बात करता हूँ, तो हमारे टेरेस के ऊपर एक एंटीना हुआ करता था, करेक्ट। सो ये एंटीना क्या करता था, ट्रांसमिट करता था सिग्नल टेलीविजन के ऊपर, मतलब यहाँ से सिग्नल टेलीविजन के पास जाना, मतलब सेंडिंग एंड यहाँ से रिसीविंग, दैट्स द सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन, ओनली वन वे कम्युनिकेशन विच इज कॉल्ड एज अ सिंपलेक्स। नेक्स्ट वन इज अ हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में इट जस्ट लाइक अ वॉकी टॉकी, सेंडर कैन सेंड द मैसेज टूवर्ड्स रिसीवर, मतलब यहाँ से मैसेज सेंड हुआ, सेकंड पर्सन ने रिसीव किया, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन ने मैसेज सेंड किया और फर्स्ट पर्सन ने रिसीव किया। बट ये जो दोनों एक्टिविटी होती है, यहाँ पे दोनों एक्टिविटी एट अ सिंगल टाइम एक ही पर्सन कर सकता है, या तो ये पर्सन सेंड कर सकता है या तो ये सेंड कर सकता है, दोनों के दोनों एट अ सेम टाइम पे डेटा पैकेट सेंड नहीं कर सकते, विच इज कॉल्ड एज अ वॉकी टॉकी। जैसे कि पुलिस लोग यूज करते हैं ना, पहले बोलते कि हेलो मैं ये लोकेशन पे खड़ा हूँ, और बोलने के बाद सेकंड पर्सन बताता है, विच इज कॉल्ड एज अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में भी सेम है, सेंडर मैसेज सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है, फिर रिसीवर सेंड करता है, और ये जो सेंडर है वो रिसीव करता है। लेकिन ये जो दोनों एक्टिविटी है वो एट अ टाइम होती है, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली नहीं, एट अ सेम टाइम पे दोनों के दोनों एक दूसरे को मैसेज सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। गॉट इट। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं। सिंपल, यूनिकास्ट इज अ 1-to-1 कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट 1-to-many, बट नॉट ऑल, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मीन्स 1-to-all, जैसे कि एक क्लासरूम है, ठीक है। यहाँ पे क्लासरूम में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि प्रोफेसर आ गए, कुछ लोग हैं जो कि नागपुर से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग पुणे से बिलोंग करते हैं, कुछ बैंगलोर से बिलोंग करते हैं। तो प्रोफेसर आए, जस्ट कंसिडर एक नागपुर का पर्सन है जिसका नाम है पवन, ठीक है। सो प्रोफेसर आए, प्रोफेसर ने बोला कि पवन कल तुम्हें ऑफिस में नहीं आना है, कल तुम्हें अर्ली छुट्टी है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ 1-to-1 कम्युनिकेशन, वो मैसेज ओनली पवन के लिए था, विच इज कॉल्ड एज अ 1-to-1 कम्युनिकेशन, विच इज कॉल्ड एज अ यूनिकास्ट कम्युनिकेशन।
उसके बाद आता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट मतलब क्या होता है, वन टू मेनी बट नॉट ऑल। तो प्रोफेसर ने बोला कल जो भी नागपुर के लोग हैं, नागपुर के जो एम्प्लॉय है उनको ऑफिस में नहीं आना है। ये मैसेज सभी के पास चला गया लेकिन अप्लीकेबल ओनली नागपुर के लोगों के लिए हुआ। दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीकास्ट, वन टू मेनी बट नॉट ऑल, वन टू मेनी बट नॉट ऑल। उसके बाद वन टू ऑल, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रॉडकास्ट, कल किसी भी एम्प्लॉय को ऑफिस में नहीं आना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मैसेज सभी के पास गया, वेदर मुंबई लोकेशन, पुणे, बैंगलोर, नागपुर, और ये सभी के ऊपर अप्लीकेबल हुआ, विच इज कॉल्ड एज अ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। गॉट इट? कुछ पूछना है यहाँ पे? ओके, सो हम लोग उसके बाद के टॉपिक के ऊपर जम करते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ सबनेटिंग। हम लोग सबनेटिंग का ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले। अभी सबनेटिंग क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसीएनए के अंदर और मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ। सबनेटिंग प्लेइंग अ वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट रोल ऑन अ सीसीएनए लेवल, सीसीएनपी लेवल एंड सीसीआई लेवल, ऑन अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल। जो कंपनी डिज़ाइन करते हैं, सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं, उनको सबनेटिंग का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना जरूरी है, कंपल्सरी है। सो सबनेटिंग से क्या होता है, सबनेटिंग से हम लोग वेस्टेज होने वाले आई पी एड्रेस को बचा सकते हैं, ठीक है। जो आई पी एड्रेस वेस्टेज हो रहे हैं उसको कम कर सकते, बचा सकते। जैसे कि हमारे घर पे देखते हैं कि हमारे जो डैड होते हैं या मॉम होते हैं जो घर पे कमाते हैं, उनका कैलकुलेशन होता है कि हमें हर घर घर में लाइक हर मंथ में इतना सामान लाना है, ये चीज़ें खरीदना है, ये नेसेसरी थिंग्स ये खरीदना चाहिए, तो एक कैलकुलेशन होता है। सेम एज कंपनी के अंदर एक पूरा डिज़ाइन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट लोग होते हैं। तो अगर उनको पता ही नहीं है, जैसे कि अगर मैं एक एक्स वाई जेड कंपनी में काम करता हूँ, उन्होंने बोला कि मेरे कंपनी में 50 यूज़र्स है, अगर मैं सोचता कि यार 50 यूज़र, एक काम करो मैं इनको 100 कंप्यूटर दे देता हूँ, तो 100 कंप्यूटर दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, 50 यूज़र्स है, 50 कंप्यूटर तो वेस्टेज चले जाएंगे। तो हमेशा हमें प्रॉपर सॉल्यूशन देना पड़ता है, ठीक है। तो सेम है सबनेटिंग के अंदर वेस्टेज होने वाले आई पी एड्रेस को बचाया जा सकता है। अभी वो कैसे बचाया जा सकता है, उसके पीछे में क्या रीज़न है, वो हम लोग समझते हैं। सो सबनेटिंग के सबसे पहले फ़ायदे समझ लेते हैं, हम लोग सबनेटिंग का यूज़ क्यों करना है और इसके फ़ायदे क्या है। इससे क्या होता है, इससे हमारा राउटिंग का एफिशिएंसी लेवल बढ़ता है और हमारे नेटवर्क परफॉर्मेंस को स्पीड मिलने का काम करता है, एक अच्छा स्पीड मिलता है और नेटवर्क का परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाता है। इससे हमारे नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क कंजेशन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और जिससे हमारा एक नेटवर्क सिक्योरिटी हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे नेटवर्क कंट्रोल ग्रोथ को भी हम लोग इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। अभी यहाँ पे मैं एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट कंसीडर करो, समवन इज वेटिंग इन द लॉबी। ओके, जस्ट कंसीडर करो कि मेरे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24, ठीक है। अभी मैं एक जस्ट एग्जांपल देता तो बताता हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो किसी को पता नहीं होगा /24 क्या है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ, ये जो मेरे पास है ये है मेरा क्लास सी का नेटवर्क, ठीक है। आई थिंक सो मैं सबनेटिंग ये टॉपिक लास्ट में लेता हूँ, वो बेटर रहेगा, बिकॉज अगर हमें आई पी एड्रेस क्लासिफिकेशन इसके बारे में और अच्छे से पता रहेगा तो हम लोग इसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग सबनेटिंग यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, हम लोग ये थोड़ा लास्ट में लेते हैं, अभी फ़िलहाल नहीं लेते, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट में कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा।